अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक और मूवी का ट्रेलर है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आजकल जो दौर है वो सारा डिजिटल पे आ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म से मूवीज़ आ रही हैं, तो उसी के चलते एक और ट्रेलर है जिसका नाम है रे और वो नेटफ्लिक्स पर आ रही है। और इसमें जो नाम है वो नाम देख के ही हमें लग रहा है कि भाई जो कॉन्टेंट है वो बहुत आला होने वाला है, क्योंकि मनोज वाजपेयी होगा, अली फजल, के मैनन, तो ये इतने बड़े ऐसे ये होते हैं जो जिनको हम एक्ट्रेस कहते हैं, जो असल में जो कहलाते हैं ना कलाकार, वो लोग हैं तो भाई मैं कुछ वो स्टार जिमनास्टिक जिमनास्टर आते हैं, स्टार होते हैं ये। अच्छा। तो सीधे चलते हैं ट्रेलर देखते हैं। फिर चलने से पहले दो तीन बातें, पहले तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। दूसरी बात यह है कि मानसून का महीना शुरू हो गया है और आपके यहाँ ज़रूर बारिशें हो रही होंगी, तो इसका ख्याल रखें। तो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा हम पहले भी कहते रहे हैं कि दरख्त लगाना ना भूलिएगा। तो अब तो इंटरनेशनल तौर पे भी हो गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तो वैसे भी कह दिया गया कि भाई वो लीड कर रहे हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया को, नेशन को, और बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारे रीजन के अंदर दरख्त लगाए जाएँ। तो आप प्लीज़ अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगा दें, चाहे कहीं पर भी लगाएं, क्योंकि बारिश हो रही है, हम केयर नहीं कर पाते, तो उस बारिश का पानी आएगा तो इंशाल्लाह फल फूल जाएगा। तो प्लीज़ क्या कहते हैं आप दरख्त जरूर लगाइएगा अपने लिए, हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो हम चलते हैं दोबारा से, और ये मैं हर प्रोग्राम में बोलूंगा इंशाल्लाह ना, कि एक दरख्त जरूर लगाइए। कहाँ से आया चले जी प्ले इसको क्या हो गया, चल रहा है मतलब ये भी सो गया, लगाने चला गया था। चलो भाई अल्लाह कहाँ से क्या है, भगवान जैसे ही तो है, सृष्टिकर्ता हम भी हैं, जन्म हम भी तो देते हैं जैसे उसने दिया है। Please put your hands together for the most dynamic entrepreneur for last year. The man with the memory of a computer. Vipsit Nair never forgets. Yeah. भाई तेरा जो रुख है ना, इस पे पूरी इंडिया फिदा है। I have the divine look. She's got powers beyond logical reasoning. Divya Shakti. बेगम आपकी गजनों की फैन है। आज के इस मुबारक सफर मैं मुसाफिर अली आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अच्छी नौकरी है कंप्यूटर फॉर्म में, पर अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट समझता है। You make me feel like Juliet. तो आज से मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। याद नहीं है कि हम कहाँ मिले, यू फॉरगॉट। तुम इन सब में मानती हो? अबे यार तू है क्या? है क्या? सिर्फ एक एक्टर है जिसे एक्टिंग भी नहीं आती। आई डोंट वांट टू सी दिस मैन्स फेस व्हेन आई कम बैक। आपका नाम क्या है? अमित दत्ता। खुशबू कहते हैं इसे, ये सिर्फ वक्त दिखलाती नहीं है, बदलती भी है। इंसान कितना भी कमीना क्यों ना हो जाए, आखिर है तो खुदा का ही बंदा। अब पहले इंसान नहीं है और आखिरी इंसान भी नहीं होंगे, जो अपने आप को खुदा भगवान समझ लेते हैं और मुंह के बल गिरते हैं। अच्छा भाई इसका समझ में आया, आपको सीन क्यों बर्पा आपको भी समझ में आया? अब इसमें बताइए क्या सीन है। एक तो 25 जून को आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब नेटफ्लिक्स में ये सीन हो रहा है कि इनके ना 3-4 सीरीज ऐसे आ चुके हैं कि अब इसमें आप एक कहानी नहीं, अलग चार कहानी, एक ही उसमें उसकी अलग स्टोरी, उसकी अलग स्टोरी, हर बंदे की अलग स्टोरी, ये हर स्टोरी पे एक एक करके इनका जो जो अगर 2 घंटे का स्लॉट है तो 50-50 मिनट या क्या कहते हैं 2 घंटे से 30-30 मिनट इस तरीके का उन्होंने स्लॉट बनाया होगा कि हर कहानी को वो इतना देंगे। और इनकी अलग बात क्या है, कहानी थोड़ी तकरीबन मिलती जुलती होगी, जैसे लूडो आई थी आज से पहले, उसमें भी यही था, चार अलग अलग कहानियाँ थी और उनको उसने एक कहानी में जोड़ा था। अगर आपने नहीं देखी, मैंने देखी है, आप मुझे गिनवा रहे थे ना लीसन 5 में, तो मुझे याद आ गया। तो वो लूडो देखी जिसने, लूडो उसमें भी है कि चार अलग अलग कहानियाँ और उनको उसने जोड़ के एक कहानी में मिलाया गया है, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है
डार्क थोड़ी साइड है इसकी कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और टाइम ट्रैवल कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी है। बहरहाल वो तो देखने के बाद पता चलेगा। तो ये आ रही है 25 जून को नेटफ्लिक्स पे। तो मुझे नहीं पता मैं देखूंगा नहीं देखूंगा, लेकिन अगर मौका मिला तो जाहिर सी बात है ये भी देख लेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो है नाम जो है ना, जो कहानियों तो खैर छोड़ो, जो नाम जो है एक्ट्रेस के वही बहुत काफ़ी हैं उसको अपीलिंग करने के लिए। जैसे कि मनोज वाजपेयी होगा उसमें, उनको शायर बनाया है, तो पहले से आज से पहले कभी उनको उस क्या कहते हैं अंदाज में नहीं देखा। वो हमेशा मार धाड़ पुलिस CBI ये वो, लेकिन एक बार उनको एक उर्दू शायर, देखो ये चीज़ आपको पता नहीं थी सारे ज्ञान भाई वाले नहीं गया ना ऐसे बोलो बोलो कि अब एक उतना इंसान क्यों देखेगा यार, एक इंसान अगर आप यहाँ पे बैठ के कुछ और करें और तो लोग देखने आएंगे ना यार ये कुछ नया कर रहा है। अच्छा तो ऐसे वो करें यार ऐसे यार, तो जैसे आप पौधे लगवा रहे हो, हम अम्मी बोले हमारी बात अम्मी बोलो ना भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, देखो भाई साहब बता दिया आपने ज्ञान दे दिया, मेरा तो दरख्त लगवाऊंगा मैं तो जिस चीज़ में मुझे समझ भी नहीं आएगी तो मैं कहता पौधा लगा था मैंने यहाँ जब सब कुछ होगा उसके अंदर ना। अच्छा पहले तो भाई ये तो सारी फिल्मों में बता रही थी उसने जो माँ बहन कर रही थी उसने कर दी। अब हम बात करते हैं आपस की ना, क्योंकि आप कैसे हैं, तो काफ़ी टाइम से हमारे साथ मुलाकात नहीं हो रही, बातचीत नहीं होती, पता नहीं क्या क्या, हम जो हमारा इंटरेक्शन था पहले की तरह वो हमारा खत्म होता जा रहा है। और अब तो मैंने देखा है काफ़ी लोग अभी मुझे मिलते हैं, अब तो हमारे पाकिस्तान के लोग भी कल परसों मुझे हमारे फोटो वो थे फोटोज के वाले ना वो मिले, कहना शाकिब भाई मैंने आपको देखा हूँ, मैंने कहा अच्छा भाई मैंने ड्रामा शामा देखा होगा उसने, कहने नहीं आपका मैं आप वो कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे आपके रिएक्शन देखता हूँ ना, तो बड़ा अच्छा है आप लोगों का, आपका दोस्त होता है आपकी भी तारीफ कर रहा था वो ना, शुक्रिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का। और यही चीज़ है, अब पहले जो हमारी बात होती थी हिंदुस्तान के लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, लड़ाई झगड़े की बात होती थी, कोई हमारी चीज़ बुरी लगती थी उनको वो फ़ौरन हमें पिन आउट कर देते थे या हमें मैसेज करते थे, कोई अच्छी चीज़ लगती थी हमारी, बहुत सी दोस्त फ्रेंड्स थी हमारी, खुशी थी वो खुशी पता नहीं कहाँ खुशी हमारी चली गई है, हमारी खुशी है और भी हमारी अच्छी फ्रेंड्स थी, हमारे अच्छे दोस्त थे हमारे सारे जिन्होंने हमारा शुरू स्टार्ट बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया, तो उन सबको हम दोबारा याद करते हैं और हम कभी नहीं भूले उन लोगों को। तो वो चीज़ बड़ी मिस होती है जब हम मैसेज पर देखता हूँ करता हूँ, पहले बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते थे तो भाई दोबारा मैसेज किया करें, और बहुत सुनों के बाद मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन नहीं आता, आप वो चेक किया करें, हमारी डेली भी हमारी आगे वीडियो डाल रही हैं, आप देखें कोशिश करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और सबसे सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों का हमारा सलाम प्यार मोहब्बत और दरख्त ज़रूर लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।